छपरा रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने ट्रेनों में सघन जांच की कार्रवाई की, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस के एसी कोच से एक लवारिस बैग में अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 9000 रुपए बताई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 8 बोतल अंग्रेजी शराब और 5 टेट्रा पैक शामिल है। 75वें आजादी महोत्सव को लेकर जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी को लेकर ट्रेनों में सुरक्षा के मद्देनजर जांच टीम लगाई गई है। चेकिंग के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के बलिया होकर आती है, उसी ट्रेन एसी कोच में लवारिस बैग पाया गया, जिसे खोलकर चेक किया गया। प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान तस्कर भागने या छिपने में सफल रहा। सर, आज की आरपीएफ छपरा आरपीएफ के लिए क्या उपलब्धि रही? आज हम लोग आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के लगाव में स्टाफ को लगाया गया है सारी गाड़ियों को चेक करने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर। उसी चेकिंग के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आज आती है बलिया होकर के, सर नंबर 1 50 50, उसी में एसी कोच के शौचालय के पास एक बैग लवारिस पाया गया। शंका होने पे उसे वहीं पे खुलवा कर देखा गया तो उसमें बिहार प्रांत में प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब पाया गया, जिसको पूर्ण रूप से खोल कर देखा गया तो उसमें ब्लेंडर प्राइड के कुल 6 बोतल थे 750 ml वाले, 2 बोतल उसमें रॉयल स्टैग के थे 750 ml के, और कुल 5 टेट्रा पैक उसमें पाए गए। इसका कुल कीमत करीब 8000 के आसपास पाया गया। किसी की गिरफ्तारी भी हुई नहीं? इसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, क्योंकि जो भी उसमें कैरियर रहा होगा हम लोगों को देखकर यहाँ वहाँ छुप गया होगा, इस वजह से उसमें अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। फर्दर कार्रवाई के लिए उसे डीआरपी को सपोर्ट किया जाएगा।